हेलो यूट्यूब, दिस इज़ डॉक्टर अनिकेत। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये जो टैंक पे स्क्रैच आ रहा था केबल की वजह से, तो उसका हमने क्या सोल्यूशन निकाला है। कमेंट बॉक्स में एक पर्सन ने हमें ये डाउट पूछा था कि आपने इसका सोल्यूशन क्या किया, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो जैसे ये मैंने अगले वीडियो में जो डिस्कस किया था कि टैंक पे मुझे माइनर स्क्रैच नोटिस हुआ था, जो कि केबल, यहाँ के जो केबल है उनके वजह से वो हो रहा था। ये ऊपर में, हाँ ये वाला, अभी तो मैंने थोड़ा फोकस किया है, तो ये वाला स्क्रैच इस केबल के वजह से हो रहा था। ये वाला केबल है, तो ये वाला टाई पहले नहीं था, केबल टाई ये वाला है ना, ये वाला टाई शायद यहाँ पे कहीं पे था, या फिर ये नहीं था, ये एक्स्ट्रा अभी लगाया, लगा के दिया है उन्होंने। तो ये वाला पहले केबल ओपन था और ये टैंक पे अटैच होता था, अटैच नहीं, स्क्रब होता था, ये टैंक पे रब होता था और उसके वजह से टैंक पे यहाँ पे स्क्रैच आ गया था। अभी जो गैप दिख रहा है ना, ये अभी टाई करने की वजह से केबल अच्छे से हैंडल को टाई हो गया है और ये टैंक पे नहीं लग रहा है। तो पहले ये ओपन था और ये केबल टैंक पे स्क्रैच होता था। तो ये शायद आफ्टर 1 मंथ मुझे नोटिस में आया और मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो भी डाला था, वो आप देख सकते हो। तो मैंने ये शोरूम में दिखाया जब बाइक सर्विसिंग को लेके गया था, तब तो उन्होंने मुझे ये केबल टाई करके दिया। तो ये काफ़ी सिंपल सॉल्यूशन है। आप अपने शोरूम में ये, अगर आप भी इशू फेस कर रहे हो तो अपने शोरूम में ये बताओ और वो आपको ज़रूर हेल्प करके देंगे, है ना। तो यही था, काफ़ी अच्छा सिंपल सॉल्यूशन निकल गया और अभी ये कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा और काफ़ी फ्रीली मूव होता है और टैंक पे कोई भी पार्ट नहीं लगता है अभी, है ना। सो यही वीडियो थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मैं ऐसे ही वीडियोस के साथ आगे आता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस फॉर रेगुलर अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।